भाग्य और दूसरों को क्या दोष देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी होगी। मैं आकाश कुमार टेकडेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि टाटा स्टील ने JET 2020 के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है, उसमें मैंने कहा था कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग के कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो आज इसका नंबर वन वीडियो मैं रिलीज़ कर रहा हूं, जो कि है लुब्रिकेशन सिस्टम पर। द लुब्रिकेटिंग ऑयल पम्प आउटलेट इज़ कनेक्टेड टू, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल पम्प जो आउटलेट है वो कनेक्ट किससे रहता है? तो वो कनेक्ट रहता है ऑयल गैलरी इन सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल गैलरी से जो कि सिलेंडर ब्लॉक में होता है, ठीक है। फिर है उसके बाद द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल पंप इज जनरली ड्रिवन बाय, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल पंप जो है वो किससे ड्रिवन होता है? तो वो ड्रिवन होता है कैम शाफ्ट से। फिर है अ रिलीफ वाल्व इज फिटेड टू द मेन ऑयल गैलरी ऑफ एन इंजन, द पर्पस ऑफ दिस वाल्व इज टू, तो क्या रहता है पर्पस का, मतलब रिलीफ वाल्व जो फिट होता है मेन ऑयल गैलरी से इंजन में, उसका पर्पस क्या रहता है वो वाल्व का? तो उसका पर्पस रहता है टू लिमिट द मैक्सिमम ऑयल प्रेशर, मैक्सिमम ऑयल प्रेशर को लिमिट रखना। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन गिवेन टू द इंजन पिस्टन, कौन सा टर्म जो है वो डिस्क्राइब करता है मतलब कि कितना लुब्रिकेशन जाना चाहिए इंजन के पिस्टन में? तो वो डिफाइन करता है आपका बाउंड्री। अ वाटर स्लज इज फॉर्म्ड इन अ क्रैंक केस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, वाटर स्लज जो फॉर्म होता है क्रैंक केस में वो किसके मिक्सिंग के कारण होता है? तो ये मिक्सिंग के कारण होता है वाटर और ऑयल के। फिर द टू टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज इन इंजन आर, कौन कौन सा टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं हम इंजन में? तो वो होता है स्प्लैश और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इज टू, प्राइमरी फंक्शन क्या है लुब्रिकेंट का? तो इसका फंक्शन है टू रिड्यूस वियर। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज इट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है लुब्रिकेटिंग ऑयल का? तो इसका ये है विस्कॉसिटी। द मोस्ट कॉमनली यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन एन ऑटोमोबाइल इज, तो कौन सा सिस्टम हम यूज़ करते हैं? तो वो यूज़ करते हैं हम लोग प्रेशर सिस्टम को। फिर है द मैक्सिमम ऑयल प्रेशर इन ए लुब्रिकेशन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, मैक्सिमम ऑयल प्रेशर जो होगा लुब्रिकेशन सिस्टम में वो किससे कंट्रोल होगा? तो वो कंट्रोल होगा आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व से। द लुब्रिकेशन सिस्टम इन मॉडर्न कार हैज, तो लुब्रिकेशन सिस्टम जो होगा मॉडर्न कार में उसमें क्या लगा हुआ रहता है? तो उसमें लगा हुआ रहता है ऑयल फिल्टर। फ्रॉम द ऑयल पम्प ऑयल गोज डायरेक्टली टू, ऑयल पम्प से जो ऑयल जाता है डायरेक्टली किस में जाता है? तो ये जाता है ऑयल फिल्टर में ही जाता है। फिर द एक्सेसिव लुब्रिकेशन ऑयल कंजम्पशंस इन एन इंजन मे बी ड्यू टू एक्सेसिव लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होगा कंजम्पशन जो होगा इंजन में वो किसके कारण हो सकता है? तो वो हो सकता है ऑयल रीचिंग कम्बशन चेंबर में, ऑयल रीचिंग कम्बशन चेंबर के कारण एक्सेसिव लुब्रिकेशन ऑयल कंजम्पशन हो सकता है इंजन में। फिर द लो लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर इन एन इंजन मे बी ड्यू टू, लो लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर होगा इंजन में किसके कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है एक्सेसिव बैकलैश बिटवीन गियर पम्प्स के कारण। फिर है द टाइप ऑफ ऑयल पम्प यूज इन एन इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम आर, द कौन सा टाइप ऑयल ऑयल पम्प का टाइप यूज हो सकता है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में? तो वो यूज हो सकता है रोटर एंड गियर पम्प। वेन कंपेयरिंग टू ऑयल्स ऑफ विस्कॉसिटी SAE 20 एंड SAE 40, विच वन ऑफ द हाइएस्ट विस्कॉसिटी एंड वाट इज इट मीन बाई विस्कॉसिटी, ठीक है ना। SAE 20 और SAE 40 में कौन सा हाइएस्ट विस्कॉसिटी का होगा और विस्कॉसिटी से हम क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, तो SAE 40 जो होगा वो आपका जाकर ज़्यादा विस्कस होगा, और विस्कॉसिटी का मतलब होता है मीन्स थिकनेस, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा SAE 40 एंड विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस। द स्टेटमेंट गिवन बिलो रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेशन ऑयल, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टी है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, और उसमें बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें से सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कॉसिटी ऑफ द ऑयल, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कॉसिटी क्या होगा ऑयल का? ऑयल का विस्कॉसिटी घटता है ना कि बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद होगा द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू लुब्रिकेशन ऑफ इंजन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? तो उसमें हो जाएगा द पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम कहाँ यूज होता है? 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, ये वाला स्टेटमेंट जो है सही नहीं है।
फिर होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रीजन ऑफ एक्सेसिव ऑयल प्रेशर इन अ लुब्रिकेशन सिस्टम। एक्सेसिव ऑयल प्रेशर का कौन सा रीजन हो सकता है इनमें से, तो इनमें से रीजन होगा रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ रिलीफ वाल्व। रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ रिलीफ वाल्व के कारण एक्सेसिव ऑयल प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में हो सकता है। द ऑयल प्रेशर इन अ लुब्रिकेशन सिस्टम हैज एक्सीड द सेट लिमिट दो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट विल द ऑयल रिटर्न टू द सम्प। कौन सा कंडीशन में ऑयल रिटर्न हो जाएगा सम्प में, तो वो हो जाता है आपका जाकर प्रेशर रिलीफ वाल्व से, ठीक है ना। कौन से कंपोनेंट के कारण, तो वो होता है ऑयल रिलीफ वाल्व के कारण। द मेन क्वांटिटी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल इज टू मिनिमाइज, तो मेन क्वालिटी क्या होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, तो वो मिनिमाइज कर देता है फ्रिक्शन को। द लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर इन इंजन इज एडजस्टेड एट, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो प्रेशर होगा इंजन में वो किसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है, तो वो एडजस्ट किया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व के कारण। विच पार्ट इंडिकेट्स द ऑयल लेवल ऑन ए इंजन सम्प, कौन सा पार्ट ऑयल लेवल को इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है डिपस्टिक। वेयर इज प्रेशर रिलीफ वल्व फॉर लुब्रिकेशन सिस्टम ऑन ए डीजल इंजन प्रोवाइडेड, कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है आउटलेट पोर्ट ऑफ ऑयल पम्प में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से मोटिवेट करते रहें ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो बना सकूं। आपके इसी कमेंट के आधार पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।